इलेक्ट्रॉनिक आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर करना क्यों जरूरी है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, दूसरे चैनल्स पे जब पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इत्यादि के क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता दिए जाते हैं, पर साइंस के क्वेश्चन स्किप कर दिए जाते हैं, या फिर साइंस के क्वेश्चन बताते भी हैं पर ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। पर साइंस के क्वेश्चन अलग से अगर आप करना चाहते हैं तो सारे साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। आप साइंस साइंस की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आपको हर तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आरपीएससी ने नहीं पूछे हैं वो भी मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, और जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, साथ में इनकी थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझते हुए करते हैं, और इनके आसपास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी में क्वेश्चन टकराने की संभावना हो जाती है। और आप लोग अगर ये एग्जाम लगातार दे रहे हैं तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक दो तीन क्वेश्चन के भी कितने मायने होते हैं, ठीक है। तो और साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल 140 तक कर लिए थे, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके या ये ऊपर लिंक आ रहा है वहां पे जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका मेंशन किया हुआ है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। पार्ट 6 के नाम से डालोगे, ये पार्ट 7 है, तो पार्ट 7 में हम आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कल यहाँ 140 तक ही कर लिए थे, आज कुछ और करते हैं। इसके साथ में मैं आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी करवा दूंगी। चलिए, भारत निम्नलिखित में से कौन है भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। देखो ग्रीन गोल्ड ये जो है ना, जैसे आता है ब्लैक गोल्ड क्या होता है, पेट्रोल होता है ना, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड। गोल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत ज्यादा गोल्ड की तरह कीमती होता है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है, उसे कहा जाता है बांस को। तो ये तो जस्ट लर्न वाला क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। तो 141 के बाद हम देखते हैं कि कल एक्सप्लेन किए थे, 142 पे चलते हैं, ज़ूम कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियरली दिखाई दे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत स्त्री है यानी कि प्रेस है, आयरन है, वो 220 वोल्ट पर चलती है, 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का प्रयोग करती है, तो इसके द्वारा फ्यूज कितना होगा, मतलब फ्यूज का अनुमतांक मतलब रीडिंग क्या होंगी, या कौन सा फ्यूज है जो यहाँ पर काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो फ्यूज में हमें क्या कैलकुलेट करनी है, देखो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है। एम्पियर का मतलब है कि आपको करंट कैलकुलेट करना है, सीधी सीधी बात ये है। तो यानी कि मुझे करंट यानी कि आई, साथ में वोल्टेज दिया हुआ है यानी कि वी, और शक्ति दी हुई है यानी कि पी, ये तीन चीजें पता है या पता करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बी के बारे में पता करना है जो कि बी के बारे में दिया हुआ है जो कि 220 है, पी यानी शक्ति के बारे में दिया है दैट इज द 1 किलो वॉट, या मैं किलो में नहीं यूज करूंगी तो मैं से 1000 वॉट लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बता देती हूँ, ACF का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो देखिए ना कहीं अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हो तो आपको आगे पीछे की इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती है। जैसे वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर ये करंट का मात्रक मैंने अभी बताया एम्पियर होता है, ठीक है। आप मान लेते हैं यहाँ पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके साथ में हमें सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, पी इज इक्वल टू आई इंटू वी। कल हमने क्या प्रीवियस वीडियो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था हमारा करंट का फॉर्मूला था जो कि होता है आवेश बटे समय के रूप में। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद हो गया, ये वाला कि I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी यानी आवेश अपॉन समय। देखिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, आपको सबको पता है ये करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि अगर मुझे दिखेगा कि हाँ आपने देखा है, आपने शेयर किया है, आपने नीचे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट किया है तो मेरा मन करेगा डेफिनेटली पढ़ाने का। अगर आपको भी कोई काम के लिए बोला जाए कि आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी मोटिवेशन मिलता है, तो बस ये एक मोटिवेशन की बात होती है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हमने यहाँ पे देखा था एक फॉर्मूला विद्युत धारा के लिए,
और ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला देखा है पी इक्वल टू आई इंटू वी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले है ना, होने के तो 5-6 फॉर्मूले हैं, पर सारे फॉर्मूले क्या है कि बहुत ही आसान आसान से होते हैं। मैं 2-4 फॉर्मूले यहाँ लिख देती हूँ। देखो, एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले करंट का फॉर्मूला आता है जो कि होता है क्यू बटे डी, यानी आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। एक फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। वी यानी वोल्टेज होगा, आई यानी करंट होगा, आर मतलब प्रतिरोध होगा। ठीक है, एक शक्ति का फॉर्मूला होता है जो कि होता है वी इंटू आई की फॉर्म में। ठीक है, वी और आई को गुणा कर देते हैं। तो इसके बाद से 2-3 और होते हैं, जैसे आई स्क्वायर आर हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा, या वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगा सकते हैं, बट हमको तो ज्यादातर ये वाला काम आता है। एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये लगा सकते हो डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि ये वर्क डन, वर्क डन यानी कि कार्य, कार्य बटे जो आवेश है, कार्य बटे आवेश निकालोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 4 फॉर्मूला होते हैं। एक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला और होता है प्रतिरोधकता का, जो आर इज इक्वल्स टू प्रतिरोधकता, ये क्यू नहीं है, ये रो है, और एल अपॉन ए। बस ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इतना आसान सी चीज है जिसके लिए हम क्वेश्चन को क्यों छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए ना। इतने इतने से 5 फॉर्मूले जरा जरा से, तो आप देख लीजिएगा एक बारी। हाँ, हम ये वाला सवाल कर रहे थे, यहाँ पे पी इक्वल टू आई इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पी का मान हमें दिया हुआ है 1000, आई का मान हमसे पूछा गया है, बी का मान हमको 220 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई का मान आ रहा है वो आ रहा है 1000 बटे 220। मोटा मोटा मैं देखूं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये लगभग लगभग आंसर आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग मतलब मान लेती हूँ मैं 8 मान लेती हूँ, यहाँ पे 4.8 के आसपास कुछ आंसर आ जाए। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि सपोज करते हैं ये आपका विद्युत परिपथ है और यहाँ पे आपने फ्यूज लगा दिया। ठीक है, फ्यूज लगा दिया और यहाँ आप आगे चले गए। फ्यूज का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट आ रहा है, अगर इससे ज्यादा करंट यहाँ आया तो ये फ्यूज रास्ते को बंद कर देगा, आगे करंट नहीं जा पाएगा, यही होता है। अब हमें इस प्रेस को चलाने के लिए, जो सवाल हम कर रहे थे, उस प्रेस को चलाने के लिए 4.8 एम्पियर करंट चाहिए। तो 4.8 एम्पियर पर तो ये प्रेस काम करेगी, अगर इससे कम वोल्टेज आया या कम करंट आया तो प्रेस काम नहीं करेगी। अगर उससे ज्यादा करंट आया तो प्रेस जल सकती है, खराब हो सकती है हमारी प्रेस। तो हमें यहाँ पे फ्यूज कितने का लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे लगभग लगभग 4.8 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देना चाहिए। क्योंकि 5 एम्पियर का फ्यूज लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर इससे ज्यादा करंट आया, यानी 5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर आया तो हमारा ये रास्ता बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो नहीं कर पाएगी और हमारा जो सर्किट है वो सेफ रह जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा करते थे, फ्यूज वायर किसका बना होता है। चलो आप भी मुझे कमेंट में बता दो किसका बना होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूज वायर पे यही 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इस बार इन्होंने थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने पूछा है फ्यूज वायर कितने का लगाएं। तो देखो 2 और 10 का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर हम 4 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे ना, तो हमारी प्रेस को चलने के लिए चाहिए 4.8 एम्पियर। अब 4.8 एम्पियर चाहिए और 4 एम्पियर पे ही फ्यूज खराब हो गया। अब फ्यूज ही खराब हो गया तो मुझे बताइए फ्यूज को चलेगा कैसे प्रेस। तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 5 एम्पियर का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पे दिया हुआ है 3 फोकस, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर मैं आपको अलग पेज पे एक्सप्लेन कर दूंगी। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिसकी फोकस दूरी प्लस होती है, जिसकी फोकस दूरी प्लस होती है वो उत्तल होता है या अवतल लेंस होता है, जरा बताइए। तो उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है। तो फोकस दूरी अपनी क्या है, प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर और माइनस 25 सेंटीमीटर। इन तीनों लेंसों को मिला दिया, तीनों लेंसों को मिलाकर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख दिया है। अब मुझे बताइए उनकी प्रभावी क्षमता क्या होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। देखो आपका एक लेंस ये था, दूसरा लेंस ये था और तीसरा लेंस ये था। मुझे नहीं पता अवतल है उत्तल है, जो भी है होते रहेंगे। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास 3 लेंस है। इसकी फोकस दूरी देखते हैं जरा कितनी बताई थी इन्होंने, 20, 50 और माइनस 25। इसकी थी प्लस 20, 50
और इसकी थी -25। ये दोनों प्लस के थे, ये माइनस का था। इन तीनों को आपने क्या किया, सटा के रख दिया। अब प्रभावी क्षमता बतानी है। ये क्या चीज थी, फोकस दूरी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, क्षमता का फॉर्मूला। अब मैं आपको यहाँ पे दो तीन बात एक साथ बता देती हूँ। क्षमता को हम पी से लिखते हैं। ये क्षमता किसकी होती है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पहली बात तो लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में नापी जाती है, डायोप्टर में। पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा, डायोप्टर में नापी जाती है, ठीक है। अब जो पी होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1/f, यानी फोकस दूरी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्षमता निकल आती है। लेकिन ये फोकस दूरी के साथ कंडीशन ये होती है कि इसको आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमको ये दिए हुए है ना, वो देखिएगा सेंटीमीटर में गिवन होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमें सेंटीमीटर में नहीं निकालना, हमें किस में निकालना है, मीटर में, ठीक है। वो अभी हम बाद में कर लेंगे, पर क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 1/f। लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ओके, ये सवाल एलडीसी में और शत पटवार भर्ती दोनों में ये पूछा गया था। पी निकाल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था सिंपली कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी है फोकस दूरी, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो पी निकालिए, बस ये पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, क्या चलेगा, मीटर चलेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर आ गया। अब पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, 0.25 यहाँ लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, फोकस दूरी को उल्टा कर दीजिए, कर दिया। आंसर कितना आ गया, 4 डायोप्टर इसका आंसर आ गया। अब मुझे बताइए ये सवाल क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और अगर आप ऐसे सवाल छोड़ के आते हो ना, तो आप अपने ही नुकसान करते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप साइंस पे इतनी ज्यादा मेहनत कीजिए, लेकिन आप इतने आसान सवाल छोड़ देते कि आपको फोकस दूरी गिवन है, मीटर में निकालो फोकस दूरी को, उल्टा करो, क्षमता आ जाएगी। मुश्किल तो नहीं है ना। ओके, अब हमसे ये जो सवाल, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछा गया, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सवाल ये दिया गया था, आपको तीन फोकस दूरी दे दी थी। एक होती तब तो हम निकाल लेते जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन तीन दे दी है। तीन को निकालने का कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले पी वन निकाल देते हैं, इसकी क्षमता निकाल देते हैं। ये कितनी आएगी आपकी, पहले 20 सेंटीमीटर को देखो, 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 0.20 मीटर। दूसरे को सॉल्व करते हैं 50 सेंटीमीटर को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.50 मीटर। और तीसरे में 25 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, ठीक है। साइन के साथ यूज करना, चिन्ह के साथ यूज करना। तो पी वन निकालेंगे तो 1/0.20 लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। पी टू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/0.50, तो आंसर आ जाएगा 2। पी थ्री निकालेंगे तो 1/0.25 लगाएंगे, लेकिन ये माइनस में लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। लेकिन किस में आ जाएगा, माइनस में। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, पी निकालना है ना अपने को, तो पी निकालने के लिए पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 + 2 प्लस, प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई माइनस, क्योंकि हमारा जो तीसरा वाला है वो किस में है, माइनस में है। तो हमने माइनस लगा दिया जी, ये माइनस लगा दिया, 4। आंसर कितना आ गया आपका, 3 डायोप्टर, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आप हर एक की क्षमता निकाल लीजिए और पूरी क्षमताओं को एक साथ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है +3। ये तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये अच्छा है थ्योरी वाले क्वेश्चन। देखिए ना, फिर वही वाली बात है, थ्योरी क्वेश्चन तो आपको याद हो ही जाएंगे ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। फॉर्मूले पूछ लिया, मान लो क्षमता क्या होती है, तो 1/ फोकस दूरी होती है। अब कभी कभी बाई चांस इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए छोड़ना तो फिर बेवकूफी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 किसके लिए होगा, संधारणीय विकास के लिए होगा, ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, अर्थ समिट कहा जाता है एजेंडा 21। और कल भी हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी संधारणीय विकास के लिए हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा था, वो किसके लिए हुआ था, ओजोन परत के लिए हुआ था। तो संधारणीय विकास के लिए एजेंडा 21, ये भी क्लास 10th की बुक से पूछा गया है, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान से है। ओके फाइन,
हाँ, ये तो वैसे आपके थोड़ा जीरो पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। आपसे पूछा गया है राजस्थान के राज्य पशु पूछा गया। देखिए, बाघ जो है ना वो तो इंडिया का है ना, और गोडावण पक्षी होता है, तो ये पक्षी है तो ये हो नहीं सकता, और बाघ जो होता है वो इंडिया का है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर नहीं है। ऊंट और चिंकारा, ये आपका आंसर है, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ऊंट को पालतू पशु में डाला गया है और चिंकारा को जंगली पशु में डाला गया है। तो राजस्थान के राज्य पशु दो हैं, दैट इज द ऊंट एंड चिंकारा। तो आंसर वुड बी ए एंड डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। साबुन के अणु में क्या होता है? ओके, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि साबुन में आपने पढ़ा होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ कि सपोज करते हैं ये कोई सतह है गंदगी, और यहाँ पे गंदगी लगी हुई है, तेल है, चिकनाई है, कुछ भी लगा हुआ है। अब मुझे इसको साफ करना है, तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? साबुन डाल दिया। फाइन, तो साबुन जो होता है ना वो उसमें हमेशा एक ऐसे इस तरीके से पूंछ जैसा ये होता है साबुन। तो साबुन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये जो शिरा होता है ना वो जनरली सोडियम या पोटेशियम आयन से बना होता है, सोडियम या पोटेशियम आयन से। और ये जो होता है ना वो कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो जल विरागी होते हैं, मतलब जल विरागी, ये पानी को पसंद नहीं करते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो मतलब क्या हो गया? वाटर। और फोबिक मतलब क्या होता है? फोबिया मूवी देखी है? फोबिया, फोबिक मतलब होता है डर, है ना, फोबिया कहते हैं ना, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। तो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाला सिरा, और ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये क्या होता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से आके, सॉरी, ये इस तरीके से टेल्स आके इस तरीके से लग जाती है, कहाँ पे? इस गंदगी के पास में, ये इस तरीके से। बहुत सारे साबुन आ गए, देखिए बहुत सारे साबुन आ गए, और ये इसको मिलके खींच के बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मिसेज, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है, इसको मिसेल कहते हैं। आई विल शो यू, दिस वन इज नोन एज अ मिसेल। ये जो बनाया ना हमने, इसे मिसेल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें एक सिरा होता है, एक पूंछ होती है। पूंछ वाला हिस्सा हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जो कि पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसे जल विरागी कहते हैं, और इसे हिंदी में जल स्नेही कहते हैं, जल स्नेही, और या हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ये जो आयन्स होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि आपका एक शीर्ष होता है और एक पूंछ होती है, तो पूंछ जल विरागी होती है, और शीर्ष जो, तो जल विरागी यानी ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, और शीर्ष जो होता है वो जल रागी होता है। आंसर बोल रही दिस वन, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी साबुनीकरण की। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, मतलब यूनिवर्सल रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब होता है कौन ऐसा है जो सबका ब्लड ले सकता है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि कोई ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, सी सॉरी सी नहीं होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए जो होता है ना वो सिर्फ ए को ले सकता है, बी जो होता है वो ए को पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ बी को पसंद करता है। ए बी जो होता है वो ए को भी पसंद कर लेता है, बी को भी पसंद कर लेता है। और जो ओ होता है ना वो, उसको ए भी अच्छा नहीं लगता है और बी भी अच्छा नहीं लगता है और इसको बी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा बताइए जो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, सबको प्यार करेगा, तो वो एक ब्लड ग्रुप है जो ये सबको ले सकता है। तो हम इसको कहेंगे कि सर्वग्राही है ना, सर्वग्राही सबको ले सकता है। और दे कौन सकता है? तो सर्वदाता आपका ये वाला होता है। और अगर इसमें भी साइन पूछ लिया जाए, प्लस माइनस के साथ में पूछ लिया जाए, तो ये प्लस के साथ होता है और ये माइनस के साथ होता है। यानी ओ माइनस जो होता है वो सर्वदाता होता है, और ए बी प्लस जो होता है वो सर्वग्राही होता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में साइन के साथ नहीं पूछा गया है, सिर्फ ए बी पूछा गया है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि नियोप्रिन किससे बनता है, किससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार आंसर दिए हुए हैं,
थोड़ा मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पे दो शब्द हैं प्रीन करके, तो डेफिनेटली ये वाले तो आंसर हमारे बिल्कुल नहीं हो सकते, समझ गए। तो अब देखिए कितना आसान बन गया आपके लिए क्वेश्चन। पर मैं आपको फिर भी बता दूं, जो विनाइल क्लोराइड है ना, तो आप इसको लिख के देखेंगे तो विनाइल क्लोराइड कुछ ऐसे लिखा जाएगा, और जब आप इसका बहुलीकरण कर देंगे तो इसके आगे पी जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीबीसी। पीबीसी के वायर होते हैं ना प्लास्टिक, जहाँ जो आपके चार्जर आते हैं उसकी प्लास्टिक होती है, या जो वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो पीबीसी से बनती है। तो पीबीसी हो गया, तो पीबीसी तो नियोप्रिन नहीं होता है। एक्रिलो नाइट्राइल से क्या बनता है, पी ए एन, एक्रिलो नाइट्राइल, इससे बनेगा पी ए एन। पी एन एक्रिलो नाइट्राइल पता है क्या होता है, आपने वो देखा है टेडी बियर्स देखे होंगे, तो टेडी बियर्स के अंदर वो निकलते हैं कुछ धागे जैसी संरचना निकलती है, उन्हें एक्रिलो नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। तो पी ए एन से बना होता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल से बनता है। बात करते हैं आइसोप्रीन की, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आइसोप्रीन से रबर बनता है। क्या बनता है, रबर, जो प्राकृतिक रबर होता है ना, वो किसका बना होता है, आइसोप्रीन का बना होता है। तो बच गया क्या, क्लोरोप्रीन, यही आंसर होता है इसका। नियोप्रीन किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन से, विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है, पॉलीविलाइन विनाइल क्लोराइड बनता है, जिसे हम पीवीसी कहते हैं। एक्रिलो नाइट्राइल से पीएएन बनता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, और क्लोरोप्रीन से क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न करने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस को करना मुश्किल होता है, इनके बारे में तो हमें पता हो तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक है ना बड़ी मजेदार बात आई थी कि ये बात हमको भी पता है, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो कैटेलिक कन्वर्टर होते हैं ना, कैटेलिक कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि पीछे से धुआं निकलता है गाड़ी में से, तो वहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाले वो लगा दिए जाते हैं, रिंग्स लगा दी जाती हैं, तो उसमें से जब धुआं निकलता है तो वो धुआं क्या होता है, उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स, लेड या धातु के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको वहीं रोक लेता है। तो जो धुआं निकलता है वो साफ धुआं निकलता है, पॉल्यूशन कम करता है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा कोई कन्वर्टर युक्त वाहन यूज करते हो जिसमें कैटेलिक कन्वर्टर लगा हुआ है, कैटेलिक कन्वर्टर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, क्लीन करने वाला है ना, तो क्लीन करने वाला अगर कन्वर्टर वहां लगा हुआ है तो उसमें अनलेडेड पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसमें लेड नहीं मिला होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, वैसे भी आजकल लेड पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हर जगह कंपलसरी कर दिया गया है कि अनलेडेड पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि प्रदूषण निवारण अधिनियम जो आया था वो कब आया था, तो मुझे भी नहीं पता, सपोज करते हैं कि कब आया था, लेकिन सोच के देखिए, इन्होंने कहा था कि 87 में लागू हुआ, और अगले ही स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि 87 में संशोधन हुआ है, तो डेफिनेटली या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, क्योंकि इन्होंने बोला 87 में लागू हुआ है और यहाँ कह रहे हैं 87 में संशोधन हुआ है। तो इतना मुझे पता चल गया कि ए तो मेरे आंसर में आने वाला है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और बी और सी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब या तो मेरा आंसर ए एन बी होगा या मेरा आंसर ए एन सी होगा। जब आपको ऐसा लगे ना कि आपके दो ऑप्शंस कट गए हैं, तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को टिक करने की, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, ऐसे में आपके क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लागू नहीं हुआ था 87 में, 87 में ये सिर्फ संशोधित हुआ था, ठीक है। तो संशोधित हुआ था इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ए एंड सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि शायद इस जो कि इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दृष्टिकोण अविंदुकता, जिसे हिंदी में कहते हैं एस्टिगमेटिज्म, कब होता है। देखिए कई तरह के रोग होते हैं, आपने पढ़ा होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद वगैरह वगैरह, इस तरह के रोग हो जाते हैं। तो इसमें ये कब उत्पन्न होता है, इन्होंने बोला है कि पक्षाभिक पेशियां यानी सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, दृष्टि पटल पे एक धब्बा लग जाता है, कॉर्निया की आकृति। तो मैं आपको बता दूं ये कब होता है, एक्चुअली ये रोग क्या होता है। जैसे सपोज करिएगा ये आंख होती है जिसका आगे वाला हिस्सा हल्का सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से आंख का होता है। यहाँ पे जब कोई पास से किरणें आती है ना, मतलब या पास से कोई वस्तु रखी होती है ना, तो वो रेटिना पे ना बन के थोड़ा पीछे चली जाती है, थोड़ा पीछे चली जाती है। या फिर मैं यूं कहूं कि मेरी ये जो आंख है, मतलब जिसकी भी
ये जो आंख है यहाँ पे जब दूर से किरणें आती हैं, दूर से किरणें आती हैं, तो ये किरणें क्या होती हैं, यही मिल जाती हैं, वो रेटिना तक नहीं जाती, यानी इनको ना तो दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ये जो गोला है ना, ये वाला जो गोला है आपका गोला जिसे कहते हैं, वो ना एकदम गोल नहीं होता है, वो फ्लैटन हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसकी शेप जब बदल जाएगी आंख की, तो ना तो यहाँ पास में कोई वस्तु का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और ना ही दूर की कोई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगी, यानी कि कॉर्निया की आकृति जब प्रॉपरली गोल नहीं होती है तब ये स्थिति आती है, उसमें एस्टिमेटिज्म कहते हैं। और आपको ये बता दूं, ये इन्होंने नया क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें ये पूछा जाता था जब एस्टिगमेटिज्म होता है उस समय किस तरह का स्पेक्स या चश्मे यूज किए जाते हैं, तो मैं बताऊं उसमें दुई दुई क्या बोलते हैं, दुई फोकल लेंस यूज किए जाते हैं, जिसमें इस तरीके से नीचे एक अलग लेंस लगा होता है और ऊपर एक अलग लेंस लगा होता है। जो ऊपर वाला लेंस होता है वो अवतल होता है और जो नीचे लेंस लगा होता है वो उत्तल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है वो उत्तल होता है और जो ऊपर लगा होता है उसे अवतल कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल और अवतल तरह का द्वि फोकल लेंस यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये मैंने करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लेकिन मोर देन दैट हो गए हैं, आसपास की इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली जितना पॉसिबल था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कंप्यूटर्स के आप आंसर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं तब वीडियो आपको नेक्स्ट बना के डाल दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।